तो स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल जिसका नाम है ऑल एग्जाम टेक्स। और आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट सेशन की। ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 4 जो कि कोल इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार आप टेक्निकल में अच्छा स्कोर कर जाएंगे लेकिन अगर आपने नॉन टेक में अच्छा कर नहीं किया तो आपके हो सकता है मेरिट लिस्ट में नाम ना आए। तो आज हम बात करने वाले जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से क्वेश्चंस की। तो आपको पता होगा कि जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का वेटेज कवर कर रहा है यहाँ पे, तो 25 मार्क्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्रीवियस सेशन को हम देखते हुए जो पैटर्न होता है CIL का, तो उसमें आज हम जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे जो कि आपको काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। उसी पैटर्न पे आप इसकी तैयारी करें क्योंकि यही पैटर्न में इसका पूछा जाता है, चाहे वो नेशनल पास की बात पार करें, बुक्स की बात करें, अवार्ड्स की बात करें। तो इस तरह जनरल अवेयरनेस आपको जो कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग में मिल सकता है, तो आज हम उसी शुरुआत करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अपडेट आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। सर चलिए शुरू करते हैं। थर्ड को नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए पहले क्वेश्चन की देखते हैं। नेम द मेटल दैट कैन इजीली बी कट विद द नाइफ। ये तो सोडियम होगा इसका आंसर। जो सोडियम एक मेटल है जो इसको आप नाइफ से भी काट सकते हैं, सॉफ्ट मेटल होता है ये, तो काफ़ी रिएक्टिव होता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एक सोडियम का क्वेश्चन पूछता है हमेशा। एक बहुत ही अच्छी मेटल है ये, तो सोडियम से कंसेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में हम आज के सेशन में सिर्फ इसका जो जनरल अवेयरनेस और जो आएगा उससे बात करेंगे। तो देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन्स, सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड होता है, ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम का पार्ट बना है। ऑक्सलिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है ये भी आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, टार्ट्रिक एसिड भी, साइट्रिक एसिड भी। तो देखते हैं चलिए इन एसिड्स का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो ऑक्सलिक जो एसिड है आपका जनरली टोमेटो में पाया जाता है, टोमेटो और स्पेनिच में, स्पेनिच और टोमेटो में, ये आपको याद रखना है। टार्टरिक एसिड आपका टर्मरिक में पाया जाता है और साइट्रिक एसिड जो है आपका, और टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में भी पाया जाता है, ये आपको याद रखना है ग्रेप्स में। और साइट्रिक एसिड आपका खट्टे चीज़ों में जैसे ऑरेंज, लेमन्स वगैरह में साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। सारे एसिड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और खासकर जब आप कोई भी टेक्निकल APSC के एग्जाम देते हैं तो केमिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए और तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं सम इमेज इन कंप्यूटर स्टोर्ड इन PNG, PNG का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ। मैं फिर से बता दूं, अगर आप कोई भी टेक्निकल एग्जाम देते हैं APSC का तो ये सारे क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में बैंकिंग के रिलेटेड में ये सब क्वेश्चंस जनरली नहीं पूछे जाते हैं, तो उसी के हिसाब से ये हमारे हमने ये कोल इंडिया का ये डिसाइड किया है। और इसी तरह के क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस सेट देखें तो पूछा जाता है, तो इसलिए ये सब क्वेश्चंस आपको जानने हैं एक्सटेंशंस कंप्यूटर के, जैसे PNG इसमें पूछा है, GIF का पूछेगा इस तरह का। तो PNG का पहले यहाँ फुल फॉर्म आपको जान लेना है, PNG का होगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये होगा इसका सही आंसर। वहीं अगर आप बात करें GIF की, जो एक फॉर्मेट है इसमें भी इमेज होता है, तो इसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल, माफ करिएगा ग्राफिक, ग्राफिक जो है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट करके इसका ये फुल फॉर्म है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ये आपको GIF का याद रखना है। उसी तरह JPEG, ये भी आपको याद रखना है एग्जाम, इसको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो इसमें जो है जॉइंट पिक्चर आपका, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म होगा JPEG का, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, हाँ जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप JPEG का फुल फॉर्म, ये आपको इस तरह का याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखता पेंसिलिन वॉज फर्स्ट एंटीबायोटिक है, किसने डिस्कवर किया था। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको, अगर आप वेरी इंपॉर्टेंट भी मार्क कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया पेंसिलिन के डिस्कवर किसने किया था। तो इसने किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसे किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इसको तो आप 100% याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक GK से है, और ये पॉपुलर बाग के पेंटिंग जो कहाँ का फेमस है, तो ये मध्य प्रदेश का फेमस है पेंटिंग, ये आपको ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश होगा इसका सही आंसर। और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। तो इसमें पूछा गया वेयर इज द माधवपुर,
यहाँ पे पहले ये टिक हटा दूँ। वेयर इज द माधवपुर मेला इज टू बी हेल्ड इन अप्रैल 2020 में, जो माधवपुर मेला है कहाँ होगा हेल्ड, तो माधवपुर मेला 20 में, जो अभी देखिए करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में आपको सीएल में 100% पूछेगा, तो करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन माधवपुर जीए है आपका गुजरात में। इस क्वेश्चन में देखिए ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, द मैक्सिमम अमाउंट दैट पेटीएम बैंक इज अलाउड टू ट्रांसफर, पेटीएम बैंक से पता आप कितने मैक्सिमम आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ये अभी नया करंट अफेयर से, तो इसका आंसर सही होगा 10 लाख तब आप पेटीएम बैंक से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये थ्रू होता है एनईएफटी के द्वारा, होता है एनईएफटी मोड के द्वारा, तो 10 लाख की सीमा रख दी गई है पेटीएम बैंक के द्वारा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखें, मलिमाथ कमेटी रिपोर्ट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मलिमाथ कमेटी किससे रिलेटेड है, तो ये आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड है। देखिए कमिटीज से क्वेश्चंस पूछते हैं बहुत सारे एग्जाम में, तो ये आपको इंपॉर्टेंट कमिटीज को देख लेना है, लेकिन मलिमाथ कमेटी का आंसर यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगा। इस क्वेश्चन को देखें, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, करंट अफेयर 2020 का, आपको तो 100% देख लेना, क्योंकि एग्जाम तकरीबन अब मार्च में ही होगा, तो आपको 2020 के जो जनवरी फरवरी और मार्च के कुछ स्टार्टिंग के आपको करंट अफेयर्स उस तक पहुंचना है, तो मैंने कोशिश किया इसको आपको डालने का। तो विच ऑफ द फर्स्ट सिटीज टू बी अनदर इंटरनेशनल लेवल मिलन, मिलन नगर एक्सरसाइज जो है 2020 मार्च में होने वाला है, जो वो कहाँ पे होगा, ये आपको विशाखापट्टनम में होने वाला है, ये आपको ध्यान देना है। जब ये जितने सारे नेवल एक्सरसाइज हो, मिलिट्री एक्सरसाइज हो, ये आपको याद रखना है। सूर्य किरण जो हमारा एक्सरसाइज है वो नेपाल के साथ होता है, ये आपको ध्यान रखना है, नेपाल के साथ सूर्य किरण होता है, रशिया के साथ भी कुछ होता है, ये आपको एक्सरसाइज, ये आपको इंदिरा करके है, इंदिरा एक्सरसाइज जी, मतलब जो जो फॉरेन कंट्री के साथ हमारे एक्सरसाइज होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज, ये आपको ध्यान में रखने हैं इस तरह करके। तो सारे आपको एक लिस्ट में आपको मैं बाद में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप चैनल के साथ हमारे बने रहें तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्प मिलने वाला है इस चैनल से। तो इस तरह के आपको एग्ज़ाम के लिए जितने एक्सरसाइज है ये आपको कर लेना है। इसका फिलहाल जो मिलन एक्सरसाइज हुआ विशाखापट्टनम में हुआ। जो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो जैसे कि सूर्य किरण आपका नेपाल में है, सूर्य किरण नेपाल में, रसिया में इंदिरा, और एविया इंदिरा करके है, एविया इंदिरा, एविया इंदिरा करके इसमें एक नेवल एक्सरसाइज है, तो इंदिरा, एविया इंदिरा रसिया का, सूर्य किरण नेपाल के साथ, इसी तरह आपका बहुत से स्टेट कंट्रीज में म्यांमार का हो गया, जापान का हो गया, वो सारे आपको देख लेने हैं एग्जाम से पहले। तो बढ़ते हैं आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर तो आपको पहले ही पता चल गया, तो इसमें है क्या, देखिए 2020 में जनवरी में जो जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो, तो इसका आंसर मैं इसको अब डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, जो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें फुल कॉन्टैक्ट नी स्ट्राइक के लिए इनका नाम आया था आसमान तनेजा का, तो ये आपको 2020 में जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, कॉन्टैक्ट फुल कॉन्टैक्ट नी स्ट्राइक जो 1 घंटे का नॉन स्टॉप था, तो उसमें ये हुआ। जो अभी ये है देखिए, सोलर पावर प्लांट इज द पावर पार्क, वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, कहाँ पे सिचुएटेड है ये, सोलर बदला, बदला सोलर पावर, तो बदला सोलर पावर कहाँ पे है ये पूछा गया है, ये राजस्थान का है, ये लार्जेस्ट सोलर पार्क है इंडिया का, राजस्थान में आपको है ये आपको याद रखना है, तो राजस्थान में है ये बदला सोलर पावर, आपको याद रखना है। राजस्थान के सीएम का नाम है अशोक गहलोत, अशोक गहलोत जी हैं इसके सीएम, और इनके गवर्नर का नाम है आपका कलराज मिश्र, कलराज मिश्र, ये आपको याद रखना है, ये है गवर्नर यहाँ के जो राजस्थान के हैं, अशोक गहलोत सीएम, कलराज मिश्र गवर्नर है यहाँ के, तो राजस्थान से ये अगर आप किसी चीज के पढ़ रहे हैं तो उस स्टेट का आप जब भी कभी कोई इस तरह का मिले आपको कोई स्टेट, तो उसका स्टेट के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का नाम जरूर याद रख लें, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है ये। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, 2020 में इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें ध्यान से, तो इसमें क्या पूछा गया है वो आपको पता चले, कि 2020 में जो एयर राइफल कंपटीशन हुआ 10 मीटर का, तो
जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ गुवाहाटी में। तो देखिए, ये क्वेश्चन में ये जनरल अवेयरनेस आपको मिल जाता है कि यूथ गेम्स 2020 में जो हुआ वो कहाँ हुआ, गुवाहाटी में हुआ। ये आपको क्वेश्चन में एक आंसर मिल रहा है। तो लेकिन जो 2020 में रुद्राक्ष पाटिल, देखिए एक चीज यहाँ से, रुद्राक्ष पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड हासिल किया, ये भी आपको दूसरा क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे आंसर आपको पता चल रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि किस स्टेट से है रुद्राक्ष पाटिल, किस स्टेट से थे। तो रुद्राक्ष पाटिल है महाराष्ट्र से, जिन्होंने अभी 2020 में खेलो इंडिया जो हुआ गुवाहाटी में 10 मीटर के राइफल में गोल्ड हासिल किया। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन का करंट अफेयर क्लियर हो जा रहा है, और ये करंट अफेयर्स आपको 100% याद रखने हैं, ये सब जो खासकर अभी 2020 में हुए हैं एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में है पूछा गया, रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है। तो रानी झांसी, देखिए नेशनल पार्क्स के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो भारत का, बैंक से लेकर रेलवे से लेकर एसएससी पीएसयू कुछ भी, नेशनल पार्क के तो एग्जाम पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन फिक्स रहता है इसका, कोई भी एग्जाम इसका फिक्स है सिलेबस, कोई भी जीके अवेयरनेस हो। नेशनल पार्क को आपको 100% देख लेना है ये आपको कोई भी एग्जाम के लिए। तो इसमें रानी झांसी मैरन नेशनल पार्क का पूछा है, ये कहाँ है स्टेट। ये अंदमान निकोबार आइलैंड में स्टेट है, में स्थित है। और ये अंदमान और निकोबार में और भी कुछ है, तो ये आपको उसी समय याद रख लेना है। मैं आपको बता देता हूँ, महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क भी यहीं पे है। महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क भी अंदमान निकोबार में, अंदमान निकोबार में माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी है। माउंट हैरियट, हैरियट HRIEET, हैरियट नेशनल पार्क भी यहीं पे है। ये तो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये आपको नेशनल पार्क याद रखने रहा। बाकी स्टेट्स के भी याद रखने, गिर नेशनल पार्क गुजरात में जो फेमस है, और इस तरह करके बहुत सारे नेशनल पार्क हर एक स्टेट का आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछेगा, 100% फिक्स है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम के लिए तैयारी करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो ये क्वेश्चन है अब अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद कंसिडर्स एज ओल्डेस्ट। देखिए उपनिषद से क्वेश्चन आ गया इसमें, तो उपनिषद का ज्ञान भी आपको होना चाहिए एग्जाम के लिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में ये पूछा जाता है। तो उपनिषद जो यहाँ पे पूछा गया है, ओल्डेस्ट पूछा गया, ओल्डेस्ट सबसे पुराना, तो ये होगा आंसर इसका बृहद नारायण का, ये है आपका ओल्डेस्ट। मुंडका उपनिषद से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो इसमें पूछा जाता है मुंडका क्या है। तो मुंडका सत्यमेव जयते, जो सुना है आपने सत्यमेव जयते जयते, जो ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है आप कोई भी एग्जाम में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है मुंडका। लेकिन यहाँ पे ओल्डेस्ट पूछा है, तो बृहद नारायण का ये होगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, द ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, ब्लैक सॉइल को क्या और नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी कहा जाता है, जो इसका नाम है ब्लैक सॉइल का नया नाम है, रेगर सॉइल भी कहा जाता है इसको। भांगर सॉइल जो है ये आपको भी जान लेना है एग्जाम के लिए, इसको ओल्ड एलुवियल सॉइल बोला जाता है, ओल्ड एलुवियल LUVIAL सॉइल बोला जाता है, और इसमें कंकड़ की मात्रा काफी ज्यादा होती है, कंकड़ ये आपको याद रखना है, और ये लेस फर्टाइल है, फर्टाइलिटी इसकी बहुत ही कम है, ये आपको याद रखना है भांगर सॉइल में। ह्यूमस आप जानते हैं, बायो इसमें आपका नेचुरल कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा होता है, ये ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है आपका, और ये से खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं ह्यूमस, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर।
माफ करिएगा, ऑडियो ग्लिच हो गया था यहाँ पे। तो हाँ, मिजल्स एंड रूबेला कॉज बाय वायरस, वायरस से होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, मतलब कई बार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मिजल्स एंड रूबेला, रूबेला मेरे ड्रेसेस होता है, आपको ये आपको याद रखना है। और मिजल्स जो होता है आपका इज कॉल्ड ऑफ रूबीलो, और ये काफ़ी सीरियस होता है, फैटल, और ये तकरीब मिजल्स उस तकरीब बच्चों को काफ़ी ज़्यादा होता है, रूबेला रेड रैसेस होता है, और ये सारे जो हैं ये दोनों वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। अब ये क्वेश्चन जो है एक साइंस का क्वेश्चन है, तो इसमें जब भी ये पूछा गया है कि एक हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाए, या फिर बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी पोजेस बाई इट वेन इट्स हाफ हाइट। तो आधे हाइट में उसका क्या होगा, एक हाइट से, मान ली सर्टेन हाइट से उसको ड्रॉप किया गया है, एच हाइट है उसका, ड्रॉप किया गया है एक बॉडी को इस हाइट से इस हाइट तक ग्राउंड में, तो उस समय एमजीएस तो होता ही है इसमें, जो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं हमको, जिस सर्टेन हाइट पे जो ग्रेविटी के द्वारा होता है एमजीएच, ये आपको पता होना चाहिए। ये है जी बेसिक साइंस का क्वेश्चन है आपको। तो अगर ये हाफ इस तक यहाँ से छोड़ दिया जाए, तो इसके एच बाई टू में, एच बाई टू में इसके यहाँ पे एनर्जी क्या होगा। देखिए एच बाई टू में हाइट तो है, यहाँ पे एच बाई टू, इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो होगा, लेकिन एक मोशन के कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो इसका आंसर बोथ होगा, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह का कंसेप्ट आपको पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं हमारे इस क्वेश्चन की, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और ये है बुक से रिलेटेड। तो मैंने आप कई सारे इस क्वेश्चन में सेशन में आपको बताया, तो ये क्वेश्चन एक बुक से रिलेटेड भी आपको एग्जाम में मिल सकता है क्वेश्चन। और इस बुक का जो नाम है जयप्रकाश तुम लौट आओ, ये किसने लिखा था, तो इसको लिखा था ममता मेहरोत्रा ने। ममता मेहरोत्रा के बहुत से बुक्स हैं, और बुक से आपको रिलेटेड कुछ जो भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग में बुक्स है उससे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये फिलहाल जयप्रकाश तुम लौट आओ ममता मेहरोत्रा का है। इसके इन्होंने और भी कई सारे बुक्स लिखे हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, ममता जी ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विश्वघात, रिश्तों की नींव, और जयप्रकाश तुम लौट आओ ममता मेहरोत्रा की बुक है, ये आपको तीनों याद रखना है। अमीश त्रिपाठी जो आपको ऑप्शन में मिला, द ओथ ऑफ द पयोत्रा एन इम्पोर्टल इंडिया, ये दोनों इमोर्टल इंडिया, ये आपका अमीश त्रिपाठी जी का है। विषम शाहिनी जी का मिडिल इंडिया तमस और बसंती, विषम बसंती मिडिल इंडिया तमस, ये आपको इन्होंने बुक लिखा था। तो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको 100% एक मिलने वाला है, कोई भी एग्जाम हो। तो इस तरह से आपको आज के सेशन में आपको पता चल गया होगा कि किस तरह आपको कोल इंडिया की जनरल अवेयरनेस की तैयारी करना है, जिस जिस रिलेटेड से हम टॉपिक से क्वेश्चन उठाएं उसको टॉपिक आपको क्लियर करके जाना, जैसे कि मैंने बताया आप, चाहे वो नेशनल पार्क से रिलेटेड हो, चाहे वो बुक से रिलेटेड हो, या अभी जो ट्रेंडिंग अवार्ड्स जो मिले हैं अभी अवार्ड्स, ये इस तरह का ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। फोर्थ में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लें, अभी उसका वीडियो भी मैं लेके आऊँगा आपके लिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे यूनेस्को का हेडक्वार्टर, एडीबी का हेडक्वार्टर, इससे क्वेश्चन बनते हैं, रेगुलर बनते हैं कोई भी कंपटीशन में, जनरल अवेयरनेस जिसमें होता है, और जनरल साइंस कोल इंडिया का है, तो कम से कम आपको जनरल साइंस पे पकड़ मजबूत रहना चाहिए। तो आशा है आपको ये सेशन पसंद आया हो, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और भी अपडेट मिलता रहेगा आपको। धन्यवाद।